हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर, जहां पर आपको सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा और टेट एग्जाम्स की तैयारी संपूर्ण रूप से सिलेबस के आधार पर कराई जाती है। तो आपको पता है कि सीटेट 2019 के लिए हमारी प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से स्टार्ट है और दोपहर को 3 बजे मैं प्रोवाइड कराती हूँ आपको संस्कृत पैडागॉजी का वीडियो, जिसमें हम देखते हैं वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज की क्वेश्चन सीरीज, आज का मॉक टेस्ट, और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो जनवरी 2012 के सीटेट के एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्राणां भाषण कौशल विकासार्थ ध्वनि क्रमस्य उपयोग कथम करणीय, यानी कि छात्रों के बीच या छात्रों के भाषा कौशल के विकास के लिए ध्वनि क्रम का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, किसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। भाषण युक्त श्रुत लेख द्वारा, व्यंग चित्राणाम अथवा अन्य दृश्य सामग्रिया प्रयोग द्वारा, मूलतत्वाधारित कथाया विवरण कथा द्वारा, अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात श्रुत सामग्री माधारी कृत्य व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन द्वारा। तो आई थिंक ऑप्शन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शुद्ध एक तरह से वो हिंदी में ही लिखा है, घुमा फिर आके ऐसा समझ लीजिए, बहुत ईजी है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अभिसंचित। यानी ओवरऑल मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता दे रही हूँ कि ये बोला है कि भाषा विकास, मतलब बच्चों में भाषा कौशल के विकास के लिए ध्वनि क्रम का उपयोग अभिसंचित ध्वनि श्रवण के उपरांत, यानी कि सुनी हुई ध्वनि जो श्रुत है, ठीक है, श्रुत सामग्री को आधार बनाकर व्याख्या द्वारा या फिर कथा कथन द्वारा उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जो सुनी हुई ध्वनि है, अभिसंचित ध्वनि है, उसको वही उसको सामग्री को आधार बना के, मतलब उसको हम एज अ रिसोर्स यूज करके, ठीक है, और व्याख्या द्वारा यानी एक्सप्लेन करके या फिर कहानी के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहिए, यूज करना चाहिए। एकालाप द्वारा त्रयाणाम उपकौशलानाम आकलनम क्रियते। अच्छा क्वेश्चन है, एक अलाप द्वारा पूछा है, एक अलाप मतलब एक अलाप द्वारा, ठीक है, तीन उपकौशलों का आकलन किया जाता है। अब किस में, वो देखिए तीन वो उपकौशल कौन कौन से हैं, स्वर लहरी ध्वनि गुण गति, ध्वनि गुण शैली, वक्तु प्रस्तुति, वक्त्रानुमानम, स्वर लहरी संदर्भ, स्वर लहरी मतलब टोन हो गया, तो ये आप समझ के लिखा हुआ है, भावभंगिमा, वक्त्रानुमानम, वक्तु प्रस्तुति। गेस करिए, सब क्वेश्चन सीटेट में आ चुके हैं तो एकदम आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर आपका होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर लहरी ध्वनि गुण गति। इसका अब थोड़ा सा अर्थ समझा देते हैं, यानी कि एक अलाप द्वारा तीन उपकौशलों का आकलन जिसका किया जा सकता है वो है, पहला है स्वर लहरी, दूसरा है ध्वनि, ध्वनि का गुण जो होता है, और तीसरा है गति, जिसको आप लय कह सकते हैं। कोई गाते हैं हम तो उसको हम लय कह देते हैं, नॉर्मली बोलने में हम उसे गति कह देते हैं, यानी कि किस स्पीड से चल रहा है हम बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जुन दृश्या दृष्टिया असम्यक परिवेशेण अभिप्रायः अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक, ठीक है, असम्यक परिवेश का अभिप्राय क्या है, अभी देखते हैं जो ऑप्शन में दिए हैं उनमें से क्या है। लक्ष्य भाषाया प्रयोग न क्रियते, यदा कदा अनुवादस्य अपि साहाय्यम स्वीक्रियते, कक्षाया छात्रा अपि सक्रिया भवन्ति, लक्ष्य भाषा पाठन समये मातृभाषाया प्रयोग यदा कदा क्रियते। क्वेश्चन अच्छा है और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य भाषाया प्रयोग न क्रियते, यानी कि भाषा अर्जन दृष्टि से असम्यक परिवेश का अभिप्राय ये है कि लक्ष्य भाषा का प्रयोग न करना, क्योंकि लक्ष्य भाषा का प्रयोग यहाँ पे अनुचित होगा। क्यों अनुचित होगा, क्योंकि यहाँ पे भाषा हम अर्जन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी भाषा और टारगेट हमारी जो लैंग्वेज है उसी को हम सुन रहे हैं, क्योंकि अर्जन जो क्या होता है वो एक नॉर्मल व्यवहारिक परिवेश में हो जाता है सिंपल, और यहाँ पे असम्यक पूछा है, ठीक है, जो कौन सा असम्यक है, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज का आपको यूज़ नहीं करना है, बिना टारगेट लैंग्वेज का यूज़ किए अगर आप कोई भाषा अर्जन करते हैं, ठीक है, तो वो इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आया होगा,
अगर नहीं समझ में आया तो लास्ट में एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, फिर देखते मैं आपको और एक अच्छे से एक्सप्लेन इसको कर दूंगी। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम्, द्वंद्व समास का उदाहरण है पीताम्बर नीलोत्पलम रामकृष्ण राजपुर। चाहिए तो ईजी है, सबको बनेगा, गुड एडवांस में सबको। ओके चलिए देख लेते हैं यहाँ पे द्वंद्व समास का जो उदाहरण होता है। द्वंद्व समास क्या होते हैं, जिसमें आपका पूर्व पद और उत्तर पद यानी कि दोनों पद जो होते हैं वो दोनों ही प्रधान होते हैं और उसमें बीच में च यानी कि और जुड़ा होता है, एंड वाली भावना होती है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या हो जाता है आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राम कृष्ण यानी राम और कृष्ण। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा हम और इसके और भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे लाभालाभ, राम लक्ष्मण, सिर्फ राम कृष्ण जैसे राम लक्ष्मण कभी होता, लव कुश होता, तो ये सारे ही जो हैं आपके जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और अगर हम इनका विग्रह करते हैं तो इनके बीच में मतलब च लगा होता है यानी कि और लगा होता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिप्रश्न से, परिप्रश्न के अधिगम से क्या अभिप्राय है या फिर किस क्या चीज़ होती है एग्जैक्टली। व्याख्या समय सार्थक ध्वनि नाम उच्चारणम प्रश्न समस्या नाम समाधानस्य प्रयास भाषा शिक्षणार्थम सिद्धांत प्रतिपादनम व्यवस्थित रूपेण विषय सामग्रिया प्रस्तुति। अच्छा, ये परिप्रश्न पूछा क्यों जाता है, चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर जो होता है इसका आपका क्या हो जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न समस्या नाम समाधानम प्रयास। कहने का अर्थ है कि परिप्रश्न से प्रश्न की समस्या का समाधान होता है, इससे प्रश्नगत कथ्य यानी कि जो भी बात कही गई है, जो भी प्रश्न के रूप में कहा गया है कि मूल बातों की सही जानकारी प्राप्त होती है और इसके अधिगम से, इसका अधिगम का प्रयोग जो होता है वो प्रश्नगत समस्या के समाधान करने के लिए एक प्रयास के रूप में किया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षणार्थम महत्वपूर्ण अवस्था अस्ति, भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। यदा विद्यार्थिनः तार्किक चिंतन युक्ताः भवन्ति यदा छात्राः अर्थ प्राप्त्यर्थं शब्दकोशान् दृष्टुं समर्था भवन्ति यदा छात्राः प्रश्नान् प्रष्टुं समर्था भवन्ति यदा बालाः भाषार्जने समक्षा भवन्ति। सो यहाँ के लिए राइट आंसर आपका होता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, सिक्स के लिए ऑप्शन नंबर डी, यदा बालाः भाषार्जने समक्षा भवन्ति, अर्थात भाषा शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था यह है कि जिससे बालक भाषा अर्जन में पूर्ण तरीके से पूरी रूप से सक्षम हो, यानी कि उनको इस तरह से पढ़ाया जाए कि उनकी समझ जो है वो तेज हो जाए भाषा को समझने की, और जब भाषा समझने की समझ तेज होगी तो भाषा अर्जन में भी वो सक्षम हो जाएंगे, उनके आसपास जो भी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, अगर टारगेट लैंग्वेज है वो यूज़ आप कर रहे हैं क्लास में तो उसको भी वो अर्जित कर लेंगे, कम्प्लीटली वो बुक पे डिपेंड नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारांश लेखितुम आवश्यके द्वे कौशले अस्त, क्वेश्चन बोल रहा है कि सारांश लेखन के लिए दो कौशल आवश्यक होते हैं, अब वो दो कौन से हैं ये बताना है। स्वशब्दाय पाठ्य वस्तुनः पुनर्लेखनम मुख्यम सामान्यम च बिंदु संज्ञानाम सम्यक लेखनी योजकानाम प्रयोग शब्दानाम स्थाने संकेतानाम प्रयोग सम्यक लेखनम। सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए वो क्या हो जाता है आपका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर है, मुख्यम सामान्यम च बिंदु संज्ञा नम, यानी कि सारांश लेखन के लिए दो जो कौशल आवश्यक है वो है सामान्य और प्रमुख बिंदुओं का संज्ञान, मुख्य सामान्य में संपूर्ण रूप से बोधगत स्तर पर लिखा जाता है, यानी कि जितने भी पॉइंट्स हैं अगर आप किसी भी चीज़ का सारांश लिख रहे हैं, मान लीजिए कि स्टोरी सुनाई गई है उसका आप सारांश लिख रहे हैं तो उसमें आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, मुख्य पॉइंट्स हैं, जो सामान्य पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उन सब की आपको समझ होनी चाहिए, वो सबको आप पॉइंट आउट कर सकें क्योंकि उन्हीं के बेस पे फिर उस कहानी का या जो भी लेख है उसका आप सारांश लिखेंगे। तो ये कौशल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि उसमें कौन सी चीज़ मुख्य है, कौन सी चीज़ सामान्य है, इन सब बिंदुओं का आप ग्रहण कर सकें आपकी हाँ क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें। यदा छात्रा कालस्य अवधारणम अवगंतम
समर्था न भवंती तदा उपचारात्मक कार्यम किम भविष्य। यानी कि अगर मान लीजिए कि बच्चे जो हैं, कोई भी छात्र हैं या फिर बच्चे बहुत सारे, वो काल की अवधारणा को जो है समझने में समर्थ नहीं हुए हैं, असमर्थ रह गए, वो नहीं सीख पाए, नहीं आप नहीं समझ पा रहे, तो उपचारात्मक कार्य के रूप में आप क्या करेंगे, क्या बेस्ट होगा। संबद्ध सूत्राणाम रटनम, संबद्ध लकाराणाम अभ्यास, संदर्भानुगुणम भाषाभ्यास, लकारानुगुणम रूपाणाम पुनः पुनः स्मरणम। क्योंकि आपको अब यहाँ पे उपचारात्मक कार्य के रूप में करना है, ना कि आप कैसे पढ़ाएंगे नॉर्मल बच्चों को वो। अब आपको जो आपने पढ़ा दिया बच्चों को समझ में आ गया, अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो उनके लिए आपको कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा जो उनके लिए ईजी हो या बेस्ट हो। तो आपको अब उस नज़र से देखना है इसको, क्वेश्चन को। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा कि लकार संबंधी रूपों को बार बार स्मरण कराया जाए, ये ज़्यादा बेस्ट होगा। बार बार उनका उनके सामने वो चीज़ें आएँ, बार बार उनको चीज़ें रिपीट कराई जाएँ। तो इससे क्योंकि लकार में ये तो आपको पता है कि जो संस्कृत में आप पढ़ते हैं तो लकार जितने भी ऋषभ धातु के सॉरी रूप होते हैं वो पर्टिकुलर लकार में होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी क्रिया जो है कौन से काल में हुई है। प्लर हैं तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। सतत व्यापक मूल्यांकनांतर्गत, यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। अब ऑप्शंस हैं, छात्रा सर्वदा आनंदेन कार्य निमग्ना भवन्ति, छात्रा शैक्षणिक भारम अधिकम निर्वहन्ति, छात्रा पूर्णतया अध्यापकानां नियंत्रणम सन्ति, छात्राणां मूल्यांकनम नियमित रूपेण क्रियते। सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। जितने भी लोगों ने डी गेस किया है तो बिल्कुल सही है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नहीं हुई तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी और क्वेश्चंस बाकी हैं तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। लेट मी एक्सप्लेन कि सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों का मूल्यांकन और आकलन नियमित रूप से किया जाता है। ठीक है, नियमित रूप से देखेंगे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सृजनात्मक पठनस्य उदाहरणम, यहाँ पे सृजनात्मक पठन का उदाहरण है। संबद्ध सूचनार्थ अंतर्जाल दर्शनम, भिन्न दृष्टिकोणेन नाटकीकरणम, भूमिका निर्वहणम, पुनर्लेखनम च, अर्थ प्राप्त्यर्थम वाचनम, परामर्शनकार्त्यम ग्रंथालये अधिकम करणीयम। फटाफट से गेस करिए इसमें सही आंसर क्या होगा। सृजनात्मक और ब्रेक कर करके उसकी मीनिंग समझा करिए, जैसे क्योंकि कई बार बता चुकी हूँ, अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, एग्जाम में अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। तो चलिए देख लेंगे टेंथ के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है। तो इसके लिए सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका अर्थ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सृजनात्मक पठन का उदाहरण जो है वो भिन्न दृष्टिकोण, भिन्न दृष्टिकोण, इतना टफ नहीं था इसको डिकोड करना, मतलब इसको ट्रांसलेट भिन्न दृष्टिकोण। ठीक है, भिन्न दृष्टिकोण से नाटकीकरण की भूमिका का निर्वहन और पुनर्लेखन है, क्योंकि सृजनात्मक पाठ से व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास भी संभव होता है। और ये जो प्रोसेस है ये इसमें जो रहेगा उसमें बच्चे की सृजनात्मकता, कुछ नयापन जो है वो समझ में आता है। ठीक है, उसको मिलता है। सो आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।